और यहाँ आपको बताएं कि पार्लियामेंट में मुमकिन कानून साजी की बाजगश मुफाहमत का बादशाह मौलाना को मनाने पहुंच गया। जराए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुमकिन कानून साजी पर मुशावरत, तो उधर तहरीक इंसाफ और JUI सरबराह के दरमियान मुलाकात कारगर साबित नहीं हुई। ऐवान में मुमकिन कानून साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, मौलाना फजल रहमान सियासत का महवर बन गए। तहरीक इंसाफ के बाद मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मौलाना के घर पहुंच गए। मौलाना भी सदर जरदारी के साथ गर्म जोशी से मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। जराए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिन कानून साजी पर भी तफसीली मुशावरत की गयी। सदर से कबल तहरीक इंसाफ वाले भी मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुँचे, लेकिन फजल रहमान ने किसी भी सियासी इत्तेहाद हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक JUI PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेगी। इजलास में पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI और JUI के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल बनाना होगा, जिससे PTI के वफ्द ने इत्तेफाक किया। जराए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने कौमी असम्बली सैनेट में मुमकिन हुकूमती कानून साजी पर गुफ्तगू की। मुलाकात में दोनों जमातों ने रابطے जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।